गुड मॉर्निंग क्लास 12, वेलकम टू ई लर्निंग क्लास। दिस क्लास इज बेसिकली रिवीजन क्लास फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अपियर द एग्जाम इन द मंथ ऑफ जून। इस साल क्लास 12 के जो एग्जाम होने वाला है उन बच्चों के लिए रिवीजन क्लास है, स्पेशल रिवीजन क्लास है, जिसमें कि हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक चैप्टर है, उस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये चैप्टर 6 है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर 6। इससे आज हम रिवाइज करेंगे चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर का नाम है। इसमें सबसे एक क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। व्हाट इज इट्स एसआई यूनिट। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या है, ये पहला क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए इन द आंसर वी कैन राइट मैग्नेटिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया ओके एंड द वेक्टर एरिया मैग्नेटिक फ्लक्स इज इट इज डिनोटेड बाय फाइ। बी डॉट ए मैग्नेटिक फील्ड होता है, बी डॉट ए, ए डॉट बी जैसे डॉट प्रोडक्ट होता है, बी मतलब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड, ए मतलब यहां पे एरिया, डॉट प्रोडक्ट है तो ए डॉट बी होता है, तो ए बी कॉस थीटा होता है, तो यहां पर भी ये हो जाएगा बी ए कॉस थीटा। देखिए फ्लक्स का एक लिटरल मीनिंग भी है, लिटरल मीनिंग क्या है मैं बताऊं आपको। जैसे सबसे पहले आप समझिए कि ये एक एरिया है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है, सपोज इस तरह से पास कर रहा है। ठीक है, इस एरिया को कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है। ठीक है, अच्छा मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस दैट इज क्रॉसिंग ए पर्टिकुलर एरिया। ये देख रहे हैं ये एरिया है, इस एरिया को बहुत सारा फील्ड लाइंस पास कर रहा है। मान लेते हैं हम कहेंगे कि इस एरिया को 100 फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहा है, यहां से क्रॉस करके आगे जा रहा है फील्ड लाइंस। ठीक, हम फील्ड लाइंस बढ़ा दिए तो हम कहेंगे कि हमने इस एरिया को जो फ्लक्स क्रॉस कर रहा था वो फ्लक्स बढ़ गया। फील्ड लाइंस कितना क्रॉस कर रहा है, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग ए पर्टिकुलर एरिया इज द फ्लक्स, ये इसका एक मीनिंग है। मैग्नेटिक फ्लक्स का
मैथमेटिकल मीनिंग ये है कि बी ए कॉस थीटा ये मैथमेटिकली डिफाइंड है। ये बी ए कॉस थीटा ये इसका मैथमेटिकल मीनिंग है, ठीक है, इसका ये मैथमेटिकल मीनिंग है। लेकिन नंबर ऑफ फील्ड लाइंस दैट इज क्रॉसिंग ए पर यूनिट एरिया दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट टेस्ला है, एरिया का ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर है, टेस्ला मीटर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट है टेस्ला मीटर स्क्वायर, वेबर हम कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, वेबर। इसके नीचे लिखिएगा, मैं मिटा दूं इसको, आप लोग लिख लीजिए व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, व्हाट इज इट्स ऐसा यूनिट। मैग्नेटिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया, एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड का ये डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है। ठीक है, द एस आई यूनिट ऑफ द एस आई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज टेस्ला मीटर स्क्वेयर और WB वेबर। फुल फॉर्म में लिखेंगे तो 1 वेबर WB, या इसका सिंबल है 1 WB इज इक्वल टू 1 टेस्ला मीटर स्क्वेयर, टेस्ला मीटर स्क्वेयर होगा। वेबर इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, वेबर इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, क्लियर है ये। ओके, देखिए फाइ इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा अगर हम कहेंगे, ठीक है, देखिए ए को हम वेक्टराइज कर रहे हैं इनफैक्ट, ठीक है, तो ए का डायरेक्शन क्या होगा, ये कह सकते हैं कि ए का डायरेक्शन होगा, मतलब इस प्लेन से 90 डिग्री एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये ए का डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो अगर ये प्लेन है तो वेक्टर एरिया का डायरेक्शन उस डायरेक्शन में होगा, परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। अगर फील्ड लाइंस भी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी उसी डायरेक्शन में क्रॉस कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी उसी डायरेक्शन में है, तो कहने का मतलब है ये एक एरिया है, जैसे फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहा है, और इसका जो वेक्टर एरिया के भी डायरेक्शन वही है, ठीक है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है। इफ इस केस में थीटा इज इक्वल टू जीरो होगा तो मैक्सिमम फ्लक्स क्रॉस करेगा, तो जैसे हम इसको टर्न करेंगे थीटा का वैल्यू चेंज हो जाएगा। मान लेते हैं कि ऐसे हो गया, तो देखिए वेक्टर एरिया का डायरेक्शन अपवर्ड होगा, मान लेते हैं इस प्लेन से 90 डिग्री, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन उस डायरेक्शन में है, तो इस एरिया को, इस प्लेन को, इस एरिया को, इस वेक्टर एरिया को फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं करेगा, तो यहां पे एरिया एंड फील्ड का एंगल 90 डिग्री है। तो देखिए इफ थीटा इज इक्वल टू जीरो फाई इज मैक्सिमम, सिंपली इट इज बी ए कॉस जीरो, सो दैट इज इक्वल टू बी ए, नंबर वन। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री फाई इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये कॉस 90 होगा, कॉस 90 जीरो होता है, तो फाई इज इक्वल टू फ्लक्स जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब इस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड उस डायरेक्शन में, इस कंडीशन में मैक्सिमम फ्लक्स होगा, तो जैसे जैसे ये प्लेन को हम रोटेट करेंगे फ्लक्स घटता जाएगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स सबसे मिनिमम, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड टू दिस एरिया, इस समय मैग्नेटिक फ्लक्स सबसे ज्यादा लिंक कर रहा था,
लेकिन जैसे जैसे इस एरिया को मैं रोटेट करूंगा द फ्लक्स लिंक्ड टू दिस एरिया डिक्रीजेस एंड इट बिकम जीरो व्हेन दिस वेक्टर एरिया ऑफ दिस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड का एक सिग्निफिकेंस पॉइंट है। मिटा दो, इसको मैं मिटा देता हूं। तो इसमें आज हमने मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ा। एक दूसरा क्वेश्चन आज हम अभी लिखेंगे, स्टेट फैराडेज लॉज ऑफ स्टेट फैराडेज लॉज ऑफ स्टेट फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखिए फैराडेज लॉ तो हम पढ़ेंगे ही, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है पहले हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है मैं बताता हूं। अगर देखिए अगर एक मैग्नेट है, मैग्नेट का ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, और ये एक कॉयल है सपोज, ये एक कॉयल है, ये एक वायर है, उसके पास में हमने एक मैग्नेट रखा हुआ है और ये मैग्नेट को मूव कर रहे हैं। तो हम ये मैग्नेट इसके पास रखे हुए हैं, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है इस वायर को लिंक हो रहा है, इसको हम कह सकते हैं कॉयल। ठीक है, तो ये मैग्नेट को अगर हम मूव करेंगे, ठीक है, तो ये मैग्नेट को अगर हम मूव करेंगे तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉयल को लिंक हो रहा है, हम मैग्नेट को आगे ले जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन लिंकिंग बढ़ जाएगा, पीछे ले जाएंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स घट जाएगा। तो वेन एवर देर इज ए चेंज इन फ्लक्स लिंक टू ए कॉयल, फ्लक्स जैसे ही चेंज होगा, बाहर से मैग्नेटिक फ्लक्स अप्लाई किया गया है, बाहर से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया है, वो अगर चेंज हुआ तो इस कॉयल में एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होता है, एक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, जिसके चलते इसमें करंट इंड्यूस होगा, उसको हम इंड्यूस्ड करंट कहते हैं, एंड दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कितना अमाउंट का ईएमएफ बनेगा यह फैराडेस लॉ बताता है। फैराडेस लॉ टेल्स अस द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ प्रोड्यूस्ड। ओके, तो लॉज है, तो लॉज हिसाब से देखिए फैराडेस लॉ को एक ही लॉ में हम कहते हैं, लेकिन कोई कोई राइटर इसको फैराडेस फर्स्ट लॉ, फैराडेस सेकंड लॉ, इस तरह से दो लॉज में लिखते हैं। ठीक है, तो फैराडेस देर आर टू लॉज हम लिख सकते हैं। ठीक है, लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फैराडे का दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लॉज है। ठीक है, फर्स्ट लॉ Whenever magnetic flux linked with a coil, whenever
मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ए कॉइल changes there is an induced EMF produced इन द कॉइल, मतलब जैसे ही फ्लक्स चेंज होता है उसी मोमेंट जब तक फ्लक्स चेंज हो रहा है मतलब जब तक मैग्नेट को हम मूव करा रहे हैं तब तक एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होगा, करंट बनेगा। मैग्नेट को स्टेशनरी कर देंगे कोई वोल्टेज नहीं बनेगा, कोई पोटेंशियल डिफरेंस कॉइल में प्रोड्यूस नहीं होगा। प्रोड्यूस होता है, इंड्यूस मतलब प्रोड्यूस होना, पहले था नहीं करंट, अब करंट इंड्यूस हुआ, इंड्यूस्ड करंट, इसलिए इसका नाम कहते हैं। ठीक है, तो पहला लॉ क्या है कि फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होता है। दूसरा लॉ क्या है कि कितना वैल्यू का, वो क्या कैलकुलेशन है जिससे कि हम कैलकुलेट कर सकते हैं व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो द सेकंड लॉ स्टेट्स अबाउट दैट। ठीक है, आप ये फर्स्ट लॉ को लिख लीजिए। ठीक है, देर आर आंसर में लिखिएगा देर आर टू फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फर्स्ट लॉ, व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ कॉइल चेंजेस देर इज ए इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल, दिस इज फर्स्ट लॉ। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं। सेकेंड लॉ लिखेंगे हम, द मैग्नीट्यूड ऑफ induced EMF, the magnitude of induced EMF is directly proportional to the rate of change of magnetic flux. मतलब ये E लिखते हैं हम, थर्ड लेटर E, induced EMF. is directly proportional to d phi by dt. d phi मतलब change in flux divided by dt, तो rate of change in flux, t मतलब time, तो d phi by dt हो गया rate of change in flux, किस rate में flux change हो रहा है। बहुत ज्यादा ज्यादा आप move करेंगे, ज्यादा high time के साथ अगर बहुत ज्यादा magnet को move करेंगे तो ज्यादा potential, अगर magnet को बहुत slow move करेंगे तो potential difference produced कम हो जाएगा, EMF कम हो जाएगा। तो जितना हाई रेट में मैग्नेटिक फ्लक्स आप चेंज करेंगे, बाहर का एक्सटर्नल मैग्नेटिक फ्लक्स को, उसके सराउंडिंग में जो कॉइल है उस हाई रेट में उतना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उतना ज्यादा ईएमएफ भी बनेगा। तो इसलिए इसका स्टेटमेंट है कि द मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डीटी। ठीक है, इसमें एक माइनस सिंबल हम देते हैं, इसका मतलब है कि ये जो जिस डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। मतलब द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट विल अपोज द चेंज, जो मैग्नेटिक फ्लक्स जिस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है
उसको ये इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोज करेगा, इसीलिए ये माइनस साइन है। मतलब डिफाइंड ई का डायरेक्शन अपोजिट है। अब ये इंड्यूस्ड ईएमएफ बना तो करंट फ्लो करेगा, तो करंट फ्लो होगा तो एक करंट कैरिंग कंडक्टर भी अपना एक मैग्नेटिज्म बनाएगा। तो अब जो इंड्यूस्ड मैग्नेट इंड्यूस्ड करंट के चलते जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म होगा, द इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म विल अपोज द चेंजिंग एक्सटर्नल फ्लक्स। बाहर का जो फ्लक्स है उसको ये अपोज करेगा ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म, इंड्यूस्ड करंट के चलते जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म बना, दैट इज व्हाई दिस माइनस साइन इज देयर। इसको आगे जाकर हम इसको लेंज लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं? लेंज लॉ। ठीक है, जो डायरेक्शन के बारे में जो बताता है। ठीक है, तो ये देखिए, ये एक प्रोपोर्शनलिटी सिंबल अगर हम हटाएंगे, आप ये लॉ को लिख लीजिएगा, तो प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हम हटाएंगे तो E इज इक्वल टू माइनस के इंटू डी फाइव बाई डीटी। तो सिंपली K का वैल्यू 1 फैराडे ने फाइंड किया, तो फाइनली इसको फैराडे ऐसे लिखते हैं, E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डीटी। यहां प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को हटाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट इंट्रोड्यूस हुआ, तो K का वैल्यू प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट का वैल्यू 1 फाइंड किया गया, तो फिर फाइनली क्या हो गया, E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डीटी। यही है फैराडे का सेकेंड लॉ, E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डीटी। ठीक है, कोई कोई उसको ऐसा भी लिखते हैं, E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी। अगर फ्लक्स चेंज बहुत लार्ज चेंज है, डी के बदले डेल्टा भी लिखा जा सकता है। दोनों स्टेटमेंट राइट है, लेकिन बहुत ज्यादा इसको हम यूज करते हैं, E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डीटी। ये फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, यही मेन लॉ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डीटी, याद रखिएगा हमेशा। आज हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमने पढ़ा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है।